तो भाई अभी हमारे हाथ में आप देख रहे हो Realme का 9 Pro Plus 5G स्मार्टफोन, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि अंडर 25,000 रुपीज़ एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन हो जाता है अभी के टाइम पे। लेकिन भाई अब इसका अपग्रेड आने वाला है, यानी Realme का 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन, इवन Realme की पूरी 10 सीरीज आने वाली है, जहां पर Realme 10 4G, Realme 10 5G, Realme 10 i, Realme 10 Pro और Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें से एक स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाता है, जो कि है Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन। और 2022 के अंदर Realme 9 Pro Plus के बारे में आप सभी को पता है कितना ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन था। लेकिन भाई Realme 10 Pro को लेकर काफी सारी चीजें सामने आ चुकी है, क्योंकि ये जो फोन है ऑलमोस्ट सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है, जो कि NTPC, EEC, TKDN और लास्ट है BIS। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द आ रहा है। लेकिन Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन में एक्चुअल में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, कब तक इंडिया के अंदर एक्चुअल देखने को मिल सकता है और क्या कुछ इस फोन की प्राइसिंग होने वाली है, सब कुछ जानेंगे, उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो अभी रिसेंटली MediaTek ने अपना MediaTek Dimensity 1080 वाला चिपसेट इंट्रोड्यूस किया है, और भाई उस चिपसेट को इंट्रोड्यूस करते ही माधव सेठ, जो कि Realme के हेड हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि Realme का अगला फोन इस चिपसेट के साथ बहुत ही जल्द आ रहा है। अब भाई उसके कुछ ही दिनों बाद ना यहां पर NTPC और ये BIS पर लिस्टेड हो चुका है फोन, और उससे ये कंफर्म हो गया है कि Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के साथ में कंफर्म MediaTek Dimensity 1080 वाला ही 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6nm आर्किटेक्चर के साथ में आने वाला है। और भाई आप नाम से भी समझ सकते हो 1080, और भाई यहां पर जो Dimensity 920 था 9 Pro Plus के साथ में, उसका एक अच्छा अपग्रेड होने वाला है, जहां पर आपको थोड़ी सी और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, GPU, NPU उन सभी चीजों के अंदर काफी अच्छा अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। अब इस चिपसेट के साथ में जो आपको GPU मिलेगा वो होगा Mali G68, जहां पर आपको ठीक ठाक सी गेमिंग ये फोन करवा देने वाला है। इवन यहां पर आपको LPDDR5 तक का रैम ऑप्शन देखने को मिल सकता है, और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप को ये फोन सपोर्ट करता है, यानी ये चिपसेट सपोर्ट करता है, तो देखने को मिल सकता है। और जब ये फोन इंडिया के अंदर आएगा तो मोस्टली ऐसे ही चांसेस है कि भाई ये फोन एंड्रॉइड 13 के ऊपर आ जाए, बट हो सकता है एंड्रॉइड 12 के साथ आए, कुछ ही दिनों बाद आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और भाई Realme UI 4.0, मतलब यहां पर आपको काफी सारे अपग्रेड चिपसेट, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर के साथ देखने को मिलेंगे 9 Pro Plus के मुकाबले। और इसके अलावा डिस्प्ले को लेकर भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि इस बार आपको 90Hz से थोड़ा सा अपग्रेड मिलेगा 120Hz का, और भाई इस बार भी आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट होगा, फ्लैट स्क्रीन होगी, वही टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पंचोल कटआउट देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले में भी आपको अच्छा खासा अपडेट देखने को मिल सकता है। और ये जो चिपसेट है ना 1080, ये 120Hz तक के मैक्सिमम डिस्प्ले रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी गाइस यहां पर आपको डिस्प्ले में तो अपग्रेड मिलेगा ही, जो कैमराज होंगे वो भी 9 Pro Plus से थोड़े अपग्रेड हो सकते हैं, बिकॉज अगर लीक्स की माने तो बैक में ट्रिपल कैमरा लेंस होगा, जो प्राइमरी लेंस होगा वो अगेन 50 megapixel का होने वाला है। अब ये कौन सा सेंसर होगा ये तो कंफर्म नहीं है, बट भाई 9 Pro Plus में हमें सोनी IMX766 देखने को मिला, तो 10 Pro Plus में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यही सेंसर को थोड़ा सा अपग्रेड करके Realme देने वाली है, और यहां पर आपको OIS अगेन देखने को मिल सकता है। बाकी वही 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो आपको 10 सीरीज के अंदर बाकी फोन्स के अंदर भी मिलने वाले हैं, अगेन आपको 16 की सेल्फी मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आपको बता दूं ये जो चिपसेट है ना MediaTek Dimensity 1080, ये मैक्सिमम 4K 30fps तक की वीडियो को सपोर्ट करता है, तो 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे इस फोन के कैमरे से, बैक से। बाकी अगर फ्रंट की बात करें तो फुल HD 30fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो भाई बैटरी तो आपको 4500mAh से लेकर 4600mAh तक मिल सकती है, लेकिन गाइस यहां पर जो चार्जिंग होगा ना वो 65W से थोड़ा अपग्रेड हो सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Realme 10 Pro Plus के साथ में आपको 80W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट Realme दे देने वाली है। इसके अलावा भाई 3.5mm का ऑडियो नहीं हेडफोन जैक, जो कि 9 Pro Plus के साथ में हमें देखने को मिला 25,000 के नीचे, बहुत कम फोन्स ऐसे देखने को मिलते हैं, इस फोन के साथ अगेन देखने को मिल सकते हैं। साथ में गाइस यहां पर आपको ना डुअल कार्ड स्लॉट अगेन देखने को मिल जाएगा, और यही कुछ अभी तक एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस सामने निकल कर आए हैं। अब देखो फर्स्ट लुक को लेकर ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने तरफ से ओप्पो का यहां पर कहीं ना कहीं लुक उठाकर डाला है, ओप्पो रिनो 8 सीरीज का, या फिर बोल सकते हो ओप्पो रिनो 8 प्रो का कुछ इस तरीके का लुक होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं अभी ऑफिशियल ये चीज कंफर्म नहीं है, तो बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना, और भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फाइनली अब हम बात कर लेते हैं Realme 10 Pro Plus की प्राइसिंग और इंडिया लॉन्च को लेकर। तो देखो ये BIS पर आ चुका है, अब इसका कंफर्म मतलब होता है ना कि बहुत ही जल्द, यानी 1 से 1.5 महीने के अंदर डिवाइस इंडिया के अंदर मिनिमम लॉन्च हो सकता है। लेकिन भाई हो सकता है Realme से नवंबर और दिसंबर में ना लॉन्च करके जनवरी तक लेकर जाए, बट एक्सपेक्टेड है कि भाई आपको 2022 के एंड तक देखने को मिल जाएगा। तो 1 से 2 महीने का आप वेट कर लो, सारी चीजें कंफर्म ऑफिशियल भी देखने को मिल जाएगी। और अगर प्राइसिंग की बात करें ना, तो Realme 10 Pro Plus 5G डिवाइस जो होने वाला है ना, इसकी प्राइसिंग अगेन हम एक्सपेक्ट करेंगे 25,000 से नीचे होगी, बिकॉज यहां पर आपको बहुत ऐसे अपग्रेड नहीं मिल रहे जो कि 30,000 तक इस फोन को ले जाए, तो कहीं ना कहीं बेस वेरिएंट आपको 25,000 के नीचे मिलेगा 6128। बाकी गाइस जैसे ही ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होगा हम अगेन बाय करेंगे, देखेंगे कैसा होगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसे अनबायस्ड वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।